नमस्कार गाइस। गाइस अगर आप लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है और 30 मिनट का भी टाइम अगर एरर इस प्रकार से आ रहा है तो इजी पे में आप लोग को बिल्कुल लाइव के साथ विड्रॉल करके दिखाएंगे गाइस कि कैसे विड्रॉल होता है गाइस बिल्कुल लाइव। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना आधार एटीएम पे क्लिक कर लिए हैं गाइस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोग के सामने में यहाँ पे जो कि एक फॉर्म ओपन होगा गाइस। तो यहाँ पे मैं विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मंत्र यहाँ पे सेलेक्ट ऑटोमेटिकली है गाइस, वही रहने देना मेरा डिवाइस हो है। और यहाँ पे देखिए बैंक अपना चूज कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया हूँ गाइस। और कस्टमर का यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ गाइस आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए अपना खुद का। और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना जरूरी गाइस, आप लोग मोबाइल नंबर फिल करेंगे अपना कस्टमर का। और यहाँ पे आप लोग को अमाउंट डाले नहीं गाइस, तो मैं यहाँ पे 500 रुपये का अमाउंट विड्रॉल करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे और फिंगर पे कैप्चर सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे सबमिट पे ट्रांजेक्शन सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए गाइस मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 500 रुपये विड्रॉल किए थे दिख रहे गाइस, और बैंक नेम भी दिख रहा है दीना बैंक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि अगर आप लोग का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो कैसे करना है गाइज, सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है या कोई टाइमिंग ले रहा है तो इसे कैसे सॉल्व करना है गाइज, इसके बारे में आप लोग को बताते हैं गाइज। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा गाइज कि अगर आप लोग का जो RD सर्विस राउंड फिगर से कर रहे थे 1010, 1020 इस प्रकार से कर रहे थे तो आपको न्यू एक डिवाइस लेना चाहिए गाइज, क्योंकि वो न्यू डिवाइस लेंगे तो आप लोग का 100% जो कि वर्क करेंगे गाइज, जो कि इजी पे से लेते हैं तो आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे गाइज। और हाँ गाइज अगर आप लोग अपना इजी पे आईडी को प्राइम में एक्टिव नहीं किए तो करा ले गाइज, जिससे आपको बहुत सारे फायदा मिलने वाले हैं। तो मैं आप लोग के सामने में अभी 500 रुपये का ट्रांजेक्शन किया हूँ गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ICICI रिवार्ड 2 रुपये और प्लस 1 रुपया, मतलब 500 रुपये आप लोग को 3 रुपये का कमीशन मिलता है गाइज। और यहाँ पे अगर आप लोग एक्टिव करते हैं तो देखिए पर ट्रांजेक्शन पे आप लोग को 2 रुपये का कमीशन मिलता है गाइज, पर ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग अपना NSDL पैन कार्ड जो कि 2 घंटे के अंदर बना सकते हैं गाइज अपने कस्टमर का। उसके साथ साथ गाइज आप लोग किसी को भी स्कैन के थ्रू 25,000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं गाइज। और आप लोग यहाँ पे इंश्योरेंस भी कर सकते हैं जो कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिलने वाले हैं। तो ईजी पे में एक बार आप लोग जुड़ करके देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो आप छोड़ सकते हैं गाइज बिंदास। तो अगर आप लोग ईजी पे का रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें गाइज, आप लोग को 10 मिनट के अंदर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए।